केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रूबरू हो रहे हैं मीडिया से, चलिए सीधा रुख वहीं का करेंगे। शौच है अविश के लिए अभिशप्त है। और मित्रों उस पूरे दिन के दो दिन के सेशन में यूनाइटेड नेशंस की सारी मेंबर नेशंस ने, सारी कंट्रीज ने, उनके डेलीगेट्स ने अपनी अपनी तरफ से बात रखी और उनमें से अधिकांश लोगों ने इस बात का उदाहरण दिया कि वो 60 करोड़ 100 करोड़ लोग जो खुले में शौच के लिए अभिशप्त हैं, ऐसे लोगों में से 60 करोड़ लोग केवल भारत में, 600 मिलियन पीपल हु वर पुटिंग अप इन आवर कंट्री वेयर दे हैव नो एक्सेस टू द टॉयलेट्स। उस दिन मेरे मन में एक ऐसा भाव था कि जैसे मैं कोई अपराधी की तरह वहां बैठा हूं। यूएन सेक्रेटरी जनरल से लेकर के सारे बोलने वाले लोग भारत की तरफ अंगे इंगित करके कह रहे थे और मैं भारत का नाम और भारत का ध्वज तिरंगा जहां लगा था उस टेबल के पीछे बैठा था, मेरे मन में एक अपराधी का भाव था। लेकिन सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प किया और लाल किले के प्राचीर से जो उद्घोष किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की परिकल्पना करने वाले यूनाइटेड नेशंस के नेतृत्वकर्ताओं ने यह तय किया था कि भारत जैसे दो देश जो पिछले आजादी के बाद से लेकर के 65-70 साल की यात्रा पूरी कर चुके हैं और केवल 38% लोगों के पास में सामान्य शौचालय की सुविधा है, शेष 62% आज भी खुले में शौच के लिए अभिशप्त हैं। माताओं बहनों को नित्य प्रतिदिन अपनी गरिमा के साथ समझौता करना पड़ता है। शायद भारत जैसे देश जिस गति से काम कर रहे हैं, जिस प्रगति के जो दर है उसके चलते हुए 30 साल का लक्ष्य और समय सीमा हमें दी गई कि 2030 तक हम इसे पूरा कर सकते। प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि हम 5 साल में खुले इसमें शौच से देश को मुक्त करेंगे। और मित्रों 2 अक्टूबर 2019 को कृतज्ञ राष्ट्र जिस दिन महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मना रहा था, देश ने पूरे विश्व के सामने नजीर प्रस्तुत करते हुए अपने आप को खुले में शौच से मुक्त किया। और मुझे स्मरण आता वो दिन जब गांधीनगर में सम्माननीय प्रधानमंत्री जी उस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, क्योंकि मेरे मंत्रालय से जुड़ा हुआ विषय था। हम लोग इस बात की अपेक्षा कर रहे थे कि सफलता के लिए कि जब हम 11 करोड़ शौचालय बना करके देश को एक बार की खुले में शौच से मुक्त ऐसा घोषित, देश ने अपने आप को प्रधानमंत्री के श्रीमुख से कर दिया। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने उसको जन आंदोलन का स्वरूप दिया था, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इस देश में जो महात्मा गांधी जी की पद्धति थी कि अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपने कर्म से उदाहरण देकर के आप देश को प्रेरित कर सकते हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र का जननायक, जो विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता होने वाला है, वो झाड़ू लेकर के सड़क पर सफाई करता हुआ दिखाई देगा। शायद कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि नरेंद्र मोदी इस भारत का प्रधानमंत्री, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश का, जनसंख्या वाले देश का प्रधानमंत्री, वो हाथ में तगारी लेकर के, सीमेंट और बजरी का मसाला लेकर के, ईंटें रख करके शौचालय बनाता हुआ दिखाई देगा। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इस देश का प्रधानमंत्री सिंगल पिट टॉयलेट को साफ करके हमें ट्विन पिट टॉयलेट बनाना चाहिए, अपने कर्म से, अपने अपने कार्य से उसका उदाहरण देगा, हमको लीड विद द हमको जो है एग्जाम्पल्स के द्वारा हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। और शायद हम यहां जितने लोग बैठे हैं मंच और मंच के सामने बैठे हुए, हमने भी कभी कल्पना नहीं की होगी कि भारत का प्रधानमंत्री स्वच्छता कर्मियों का सम्मान स्थापित करने के लिए और स्वच्छता का सम्मान स्थापित करने के लिए कुंभ के मेले के अवसर पर जमीन पर बैठ करके स्वच्छता कर्मियों के पांव धोते हुए दिखाई देगा। जन आंदोलन बना क्योंकि प्रधानमंत्री खुद हाथ में झाड़ू लेकर के खड़े थे, राज्यों के मुख्यमंत्री खड़े थे, सभी माननीय मंत्री खड़े थे, आदरणीय विजय जी उस समय मंत्री थे, हम सब लोग मिलकर के स्वच्छता के लिए काम करते, सारे सांसद, सारे जनप्रतिनिधि, सारे पंचायत राज स्तर के जनप्रतिनिधि, सारे अधिकारी कर्मचारी, पूरे देश के लोग, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे विसिल ब्लोअर की तरह काम कर रहे थे। और जिस तरह आजादी के आंदोलन में 1942 से लेकर के 1947 तक भारत छोड़ो आंदोलन में देश का जन जन जुड़ा था, उसकी प्रतिकृति वापस दिखाई थी और जन आंदोलन के तरह बना करके हमने स्वच्छता के मिशन को हासिल किया। और उसके ठीक बाद में मुझे दोबारा विजय जी जाने का अवसर मिला। मैं स्टॉकहोम में वर्ल्ड सैनिटेशन एंड वाटर कॉन्फ्रेंस में बात कर रहा था। 8-10 दिन पहले ही भारत ने अपने आप को खुले में शौच से मुक्त किया था। जब पहली बार मैं यूनाइटेड नेशंस गया था, मेरे मन में अपराधी का भाव था, दूसरी बार जब हम हासिल करके गए थे तब मैं विजेता।